दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। भाभी से अवैध संबंध के शक में की थी रोहित की हत्या। दिल्ली पुलिस ने यूपी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के सिलसिले में उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ गुरुवार को हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस पर अदालत शुक्रवार को संज्ञान लेगी। पुलिस ने अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। रोहित शेखर की 15 अप्रैल की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का आरोप है कि हत्याकांड को अपूर्वा ने ही अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साकेत जिला अदालत की सीएमएम कोर्ट में अपूर्वा के खिलाफ 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें 56 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें रोहित शेखर की मां उज्ज्वला तिवारी भी शामिल है। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि अपूर्वा को शक था कि रोहित के अपनी भाभी से नाजायज संबंध थे और दोनों का एक बेटा भी है, जिसके कारण उसकी संपत्ति भी शायद उस बेटे को दे दी जाएगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।